नमस्कार दोस्तों, जैमिनी सूत्र सीरीज़ को आज हम फिर और आगे बढ़ाएंगे और मैं कुछ और जैमिनी सूत्रों की बात करूंगा। जो भी दर्शक इसको शुरू से या बिगनिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें अभी तक पता चल चुका होगा कि हम किस तरीके के सूत्रों का यूज़ करने वाले हैं जैमिनी में। तो जैमिनी के जो भी सूत्र हैं वो पाराशरी के कंपेरिज़न में ज़्यादा सटीक हैं। पाराशरी में आपको खुद एनालिसिस करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पर लगेगा, मगर जैमिनी में बिल्कुल सटीक सूत्र दिए हुए हैं। अब इन सूत्रों के बारे में मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप हमेशा सूत्रों को एज इट इज़ देखकर कोई भी कंक्लूज़न ना निकालें। ऐसा मान के चलें ये सूत्र यदि एप्लीकेबल हो रहा है तो 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की है, मगर फिर कुंडली के अंदर हमें और भी कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं जिनकी बात हम एनालिसिस करते टाइम करेंगे। तो आप इन सभी सूत्रों को कंठस्थ कर लें। बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं है, मैं एक या दो और वीडियोस में मैं सभी सूत्रों को ख़त्म करूंगा और इसके बाद मैं कुंडली एनालिसिस करना सिखाऊंगा किस तरीके से जैमिनी में हम कुंडली को एनालिसिस करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करते हैं सूत्र फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर कोई अलग से सूत्र नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जैमिनी में बच्चों या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी है तो किस तरीके से देखते हैं। पाराशरी में पांचवा भाव या फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रोजेनी या संतान को। इसी तरीके से जैमिनी में उपद लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उपद से पांचवा भाव इंडिकेट करता है प्रोजेनी को, और लग्न से फिफ्थ हाउस तो इंडिकेट करता ही है। ये दो कॉम्बिनेशन है, इसमें दो मिसिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ। पुत्र कारक से पांचवा भाव और फिफ्थ पद से पांचवा भाव भी प्रोजेनी को इंडिकेट करता है। तो जैमिनी में जब भी आपको कॉम्बिनेशंस लगाने हो, जो लोग मेरी कंपोजिट टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर मैंने ये लगा कर बताई है, उपद से पांचवा भाव, लग्न से पांचवा भाव, पुत्र कारक से पांचवा भाव और फिफ्थ पद से पांचवा भाव, ये सभी प्रोजेनी के सूत्र होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सूत्र फॉर प्रोफेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जो लोग आते हैं वो इन्हीं कामों के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिन भी कामों के लिए हमारे पास कोई भी जातक आता है उन सभी के सूत्रों को अलग से निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने नोट करके रखें क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आएंगे मैरिज के लिए, बच्चों के लिए, प्रोफेशन के लिए, डिजीज़ के लिए, मेनली इन्हीं कामों के लिए लोग आते हैं। तो सूत्र फॉर प्रोफेशन में हम देखते हैं कारकांश लंग्स टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिकेटिंग नेचर ऑफ प्रोफेशन। आपका किस तरीके का काम होगा वो कारकांश लग्न बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दर्शकों, कारकांश लग्न क्या होती है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देख ही लिया होगा, फिर भी बता देता हूँ। आत्मकारक वो प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री हाइएस्ट होती है। नवांश चार्ट में वो जिस भी राशि में चला गया उसी राशि को बर्थ चार्ट में कारकांश लग्न बोलेंगे। सपोज आत्मकारक नवांश में जैमिनी या मिथुन राशि में चला गया तो बर्थ चार्ट में मिथुन राशि उसकी कारकांश लग्न हो गई। तो कारकांश लग्न से ये पता चलता है कि पर्सन किस प्रोफेशन में जाएगा। तो सबसे पहला इसमें कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं, फर्स्ट वन फुल मून प्लस वीनस इन कारकांश लग्न। फुल मून मतलब पूर्णमासी के दिन जिसका बर्थ होता है उसका फुल मून होता है, और वीनस मीन शुक्र। तो चंद्रमा और शुक्र कल्पना के कारक हैं, ब्यूटी के, सॉफ्ट थॉट, मधुर विचारों के कारक होते हैं। तो जिस भी नेटिव की कुंडली कारकांश लग्न में चंद्रमा फुल मून होना चाहिए, पूर्णमासी का बर्थ मतलब पूर्णमासी के दिन फुल मून होता है, तो चंद्रमा और शुक्र कारकांश लग्न में हो तो ऐसा पर्सन ऑथर मतलब लेखक होगा। यदि सूर्य कारकांश लग्न में आ जाए तो वो पॉलिटिशियन के कॉम्बिनेशन है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं YouTube चैनल के थ्रू भी, WhatsApp के थ्रू, कि पॉलिटिशियन के कॉम्बिनेशंस बताइए। तो कारकांश लग्न में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा पर्सन पॉलिटिकल लीडर होता है, छोटे लेवल पर हो या हायर लेवल पर हो वो अदर कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करेगा। वीनस केवल हो कारकांश लग्न में तो ऐसा नेटिव गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। वीनस लग्जरी का कारक भी है, कारकांश लग्न के अंदर वीनस हो तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा।
नेक्स्ट सूत्र है प्रोफेशन के लिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सभी सूत्र है जो भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम में आते हैं, वो अपने पेपर चेक करेंगे तो उनको इधर उधर कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये इन सूत्रों को याद कर लें वो तो उनको सभी कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। राहु प्लस सन इन कारकांश लग्न, राहु और सूर्य कारकांश लग्न में हो तो वो पॉइजनस सब्सटेंस से डील करता है, जहरीले पदार्थों से डील करता है। तो आज के समय में जहरीले पदार्थों से डील करने वाला या तो बायोकेमिस्ट होगा या फिर कोई एक डॉक्टर होगा, तो इसे हम डॉक्टर का कॉम्बिनेशन मानकर चलेंगे, पुराने ज़माने में चिकित्सक बोला करते थे इसको। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मून प्लस जुपिटर इन कारकांश लग्न, मतलब चंद्रमा और जुपिटर कारकांश लग्न में आ जाए या उससे फिफ्थ में आ जाए तो भी पर्सन ऑथर होगा। अब मगर यहाँ पर वो ऑथर होगा वो नॉर्मल ऑथर नहीं होगा, कोई बड़े काव्य लिखेगा, बड़ी बुक लिखेगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ऑथर एक नॉर्मल राइटर भी ऑथर होता है, मगर एक वो लोग होते हैं जिनकी लिखी हुई बुक सदियों तक चलती हैं और सब दुनिया में लोग उनको जानते हैं, ऐसा ऑथर होगा यदि मून और जुपिटर कारकांश लग्न में हो या उससे फिफ्थ हाउस में हो। तो दर्शकों नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये अभी मैंने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ एक बातें की, इसमें मैं कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जेमिनी सूत्र में जो ओरिजिनली दे रखे हैं वो प्रोफेशंस की हम बात कर रहे हैं। आज के समय में बहुत वैरायटीज ऑफ प्रोफेशन है तो उसका इंटरप्रिटेशन हमें अपने विवेक से, माइंड से, इंटेलिजेंस के थ्रू करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे लग्न और आत्मकारक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड खराब इवेंट को भी यदि इंडिकेट करता है तो आत्मकारक और लग्न का रोल होता है, क्योंकि लग्न शरीर होती है तो फिजिकली कोई भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानी होगी, उसमें लग्न और आत्मकारक का रोल जरूरी है। जेमिनी में आत्मकारक वही रोल प्ले करता है जो कि पाराशरी में लग्न रोल प्ले करती है। तो दर्शकों फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है, यदि मून प्लस राहु इन फिफ्थ और एस्पेक्ट पर्सन इज डिप्रेस्ड, मतलब मून और राहु दोनों यदि लग्न या कारकांश लग्न आत्मकारक से पांचवें भाव में चले जाएं, लग्न या आत्मकारक से दोनों पांचवें भाव में चले जाएं, मून प्लस राहु का कॉम्बिनेशन वैसे भी डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है, पाराशरी में भी किसी भी भाव में हो तो मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसको हम चंद्र ग्रहण योग भी बोलते हैं बहुत लोग। तो मून प्लस राहु इन फिफ्थ हाउस और एस्पेक्टेड पर्सन इज डिप्रेस्ड, ऐसा पर्सन डिप्रेस्ड होगा, छोटी सी बात को बड़ी बात बना लेगा और उसी को सोच सोच के परेशान होता रहेगा। इसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन में एक एडिशनल चीज़ बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, जब भी मून और राहु की युति हो तो आप हमेशा देखिए कि यदि मून की डिग्री और राहु की डिग्रीज देख लीजिए, दोनों की डिग्रीज में क्या अंतर है, यदि मून की डिग्री राहु की डिग्री से कम है तब वो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु मून की तरफ ट्रेवल करेगा, क्योंकि राहु मूव करता है ऑलवेज रिवर्स डायरेक्शन में, बकरी मोशन होती है, तो राहु की डिग्री यदि ज़्यादा है तो वो मून की तरफ आएगा, मगर यदि मून की डिग्री ज़्यादा है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो जब भी राहु की डिग्री मून की डिग्री से ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। नेक्स्ट वन है कॉम्बिनेशन नाइन्थ हाउस फ्रॉम लग्न और आत्मकारक हैज़ मून प्लस राहु नाइन्थ हाउस में हो और एस्पेक्ट पर्सन इज डिस्ट्रक्टिव। अब नाइन्थ हाउस में मून प्लस राहु का प्लेसमेंट हो जाए या एस्पेक्ट कर रहे हो मून प्लस राहु, यहाँ पर एस्पेक्ट का मतलब जेमिनी एस्पेक्ट है, तो ऐसा पर्सन डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, चीज़ों को खराब करने वाला होगा, ऐसा होगा कि भाई ये काम मेरा नहीं बन रहा तो मैं दूसरे का भी नहीं बनने दूंगा, या एक्सट्रीम स्टेप्स लेने वाला हो गया, वो है डिप्रेशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट, डिप्रेस्ड तो होगा ही साथ में वो वॉयलेंट होगा, इसीलिए उसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन वही है, मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है ये, नाइन्थ हाउस में हो तो वो और भी वायलेंट हो जाता है, फिफ्थ हाउस में या वहीं पर हो कार आत्मकारक या लग्न में तभी भी ये डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मगर नाइन्थ हाउस के अंदर ये और भी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। एस्पेक्टेड बाई मार्स, यदि लग्न और आत्मकारक को मार्स एस्पेक्ट कर रहा हो तो ऐसा पर्सन पैसिनेट होता है, आत्मकारक को भी एस्पेक्ट कर ले या मार्स को, दोनों में से किसी को भी एस्पेक्ट कर ले तो ऐसा पर्सन पैसिनेट होगा। हाईली इंटेलिजेंट इफ फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्ट आत्मकारक और लग्न, फिफ्थ लॉर्ड क्योंकि फिफ्थ भाव
जनरली इंटेलिजेंस का भाव माना जाता है, विवेक का भाव माना जाता है, तो फिफ्थ लॉर्ड यदि उसको इंडिकेट कर ले तो भी हाईली इंटेलिजेंट होगा फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्ट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, इफ ट्वेल्थ लॉर्ड एस्पेक्ट देन पर्सन इज स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला। यदि ट्वेल्थ लॉर्ड एस्पेक्ट करे आत्मिक कारक या लग्न को, ट्वेल्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले तो ट्वेल्थ भाव हमें मालूम है कि वो एक्सपेंसेस का भाव होता है, तो ऐसा पर्सन बेहिसाब बेपनाह खर्च करता है, ये कह सकते हैं। तो दर्शकों अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कारकांश लग्न से रिलेटेड और फाइनल कॉम्बिनेशंस में बता रहा हूँ। कारकांश लग्न से रिलेटेड अब मैं काफ़ी डिटेल अलग अलग जगह पर बता चुका हूँ। अभी आज हमने प्रोफेशन के कुछ कॉम्बिनेशंस की बात की थी, अब नेक्स्ट में कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा कारकांश लग्न हमसे और किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं। माइंड एंड करेक्टर मेनली ये देखता है कारकांश लग्न, ट्रबल्स बताता है लाइफ में कहाँ पर आने वाली है कारकांश लग्न, आपका प्रोफेशन बताता है, एजुकेशन बताता है, ये अर्लियर कारकांश लग्न में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब कारकांश लग्न से रिलेटेड जेमिनी सूत्र कुछ और हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है पाइसेस, कारकांश लग्न में हो जाए तो उसकी इंस्पिरेशनल नेचर होती है, इंस्पायर करता रहता है लोगों को, उनके पास कोई भी लोग जाएंगे तो वो उनको डिप्रेस नहीं करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, उन्हें इंस्पायर करेगा कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो कारकांश लग्न यदि 12 साइन हो या आत्मकारक D9 चार्ट में 12 साइन में चला जाए तो ऐसे पर्सन की इंस्पिरेशनल नेचर होती है, इंस्पायर करता है दूसरे लोगों को। सेकंड केतु इन कारकांश लग्न, सिनफुल डीड्स एंड हिपोक्रेटिक, यदि केतु जाकर प्लेस हो जाए कारकांश लग्न में तो ऐसा पर्सन हिपोक्रेटिव आडंबरवादी होता है, होगा कुछ और दिखाएगा कुछ, डिफरेंट दिखाएगा, पापी होता है, उसके काम खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते, शुभ काम नहीं करता, वो बुरे काम करता है और हिपोक्रेटिक होता है, आडंबरवादी होता है, मन में कुछ होता है जिसको कहते हैं मन में छुरी, बोली पे राम मन में छुरी, जो एक कहावत है वो होगी उसके साथ। सैटर्न इन फिफ्थ और इन कारकांश लग्न, सैटर्न फिफ्थ में चला जाए कारकांश लग्न से या कारकांश लग्न में ही बैठ जाए, ऐसा पर्सन नर्वस इन असेंबली, इसका मतलब क्या होगा, उसको कहीं बहुत लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए तो वो नर्वस हो जाएगा, ठीक से नहीं बोल पाएगा। तो हम ज़्यादातर लोगों के अंदर ये होता है कि जिन्हें आदत नहीं होती बोलने की, उन्हें यदि किसी असेंबली में खड़ा कर दिया जाए तो वो नर्वस हो जाते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा हो जाएगा यदि कारकांश लग्न में सैटर्न शनि या उससे फिफ्थ भाव में शनि चला जाए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सेकंड फ्रॉम कारकांश लग्न ऑक्यूपाइड बाय केतु एस्पेक्टेड बाय मैलिफिक पर्सन लैक पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यदि कारकांश लग्न से दूसरे भाव के अंदर केतु आ जाए और उसे कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो तो ऐसे पर्सन को अपनी बातें एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, उसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है, अपनी बातें बताने में दिक्कत आती है या अपनी बातें समझाने में दिक्कत आती है। ऐसा व्यक्ति एक टीचर हो जाएगा तो वो अपने स्टूडेंट को समझा नहीं पाएगा। तो सेकंड फ्रॉम कारकांश लग्न ऑक्यूपाइड बाई केतु एस्पेक्टेड बाई मैलिफिक पर्सन लैक पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन कम होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं कारकांश लग्न से मैलिफिक इन थर्ड फ्रॉम कारकांश लग्न, यदि कारकांश लग्न से तीसरे भाव के अंदर अशुभ ग्रह चले जाएं तो ऐसा पर्सन ब्रेव या बहादुर होता है, डेयरिंग होता है, डरता नहीं है जल्दी से, तो नहीं डरने वाले निडर जिसे कहते हैं ऐसा होगा यदि मैलिफिक हो थर्ड भाव में फ्रॉम कारकांश लग्न। तीसरा भाव वैसे पराक्रम भाव होता है लग्न से, ऐसे ही कारकांश लग्न से तीसरे भाव में अशुभ ग्रह आ जाए तो वो पर्सन पराक्रमी होगा। सन प्लस राहु एस्पेक्टेड बाई मार्स, सन प्लस राहु हो कारकांश लग्न के अंदर और उन्हें मार्स मंगल देख रहा हो तो ऐसा पर्सन डिस्ट्रक्टिव टेम्परामेंट का होगा, चीज़ों को तोड़ फोड़ करेगा और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, बहुत बड़ी लिमिट तक वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो सन प्लस राहु हो कारकांश लग्न में और उन्हें मार्स या मंगल एस्पेक्ट कर रहा हो तो पर्सन डिस्ट्रक्टिव नेचर टेम्परामेंट का होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है प्रेजेंस ऑफ बेनिफिक इन ट्वेल्थ फ्रॉम कारकांश लग्न लेड्स टू साल्वेशन, तो यदि कारकांश लग्न से 12वें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के चांसेस होते हैं। हालांकि मोक्ष एक बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म कह सकते हो,
मगर आप कह सकते हो कि थोड़ा वैराग्य की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मोक्ष के तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। कारकांश लगने से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो। तो ये आज मैं जो जैमिनी सूत्र जो मुझे बताने थे उस सीरीज़ को मैं एंड करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने जैमिनी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखे होंगे, तो उनमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब जैमिनी में सिखाने की सीरीज़ मैं यहीं पर एंड करूँगा। एक्चुअल कुछ चार्ट लेकर हम कमिंग क्लासेस में प्रेडिक्शन या किसी भी इवेंट को कैसे जस्टिफाई किया जाता है यूजिंग जैमिनी सूत्रम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि असली सीखने की जगह अब शुरू होने वाली है। अभी तक तो हम थ्योरिटिकल या कॉम्बिनेशंस या मेथडोलॉजी पढ़ रहे थे, अब उसे एक्चुअल में किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक। नमस्कार।